एट नाइन 25 करना होगा, तो ये क्या हो जाएगा, अब इसमें देखो कोई भी कॉमन नहीं ना है, कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं ना है, तो इसमें से कुछ तो लूंगा ही नहीं, तो इसका एलसीएफ 1 आ जाएगा, और एलसीएम ऑफ 8 9 25 क्या आएगा, देखो पहले तो कॉमन कुछ है ही नहीं, कॉमन के अलावा जो बचा हुआ फैक्टर्स होता है उसको लेते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 to the power 3 इंटू 3 to the power 2 5 to the power 2 ये वैल्यू कितना आएगा, 2 to the power 3 इज इक्वल टू 8 इंटू 7 इंटू 9 इंटू 25 वैल्यू कितना आया, इसको कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू आपका आ रहा है कितना आ रहा है वैल्यू 1800 ये 72 देगा, 72 इंटू मल्टीप्लाई बाय 25 ये वैल्यू हो गया 1800 आप करना ट्राई देखना, तो एलसीएम एंड एलसीएफ ऑफ क्वेश्चंस हो गए। अब मेरा फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, पढ़ो क्या दिया हुआ है बच्चों, क्या दिया हुआ है फोर्थ नंबर में, फोर्थ नंबर में क्वेश्चन दिया हुआ है गिवन दैट एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 9 एंड एलसीएम इज इक्वल टू 306 फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है गिवन दैट एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स कौन कौन से हैं 306.657 इज इक्वल टू 9 ओके देन क्वेश्चन क्या दिया हुआ है फाइंड एलसीएम ऑफ 306.657 ये क्वेश्चन दिया हुआ है ओके अब देखो मेरे को पढ़े थे ना अभी जस्ट ऊपर पढ़े हैं बिगनिंग में क्या पढ़े थे एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स तो टू नंबर्स कौन कौन सा है 306 एंड सेकेंड नंबर क्या है 657 तो ये वैल्यू क्या हो गया एलसीएम निकालना है तो ये राइट हैंड साइड जाएगा तो ये क्या होगा 306 इंटू 657 अपॉन एचसीएफ ऑफ दीज टू नंबर्स 306.657 अब बताओ एचसीएफ ऑफ नंबर क्या हो गया ये दोनों का 9 दिया हुआ है ना तो मैं डायरेक्ट डाटा यूज कर लू 306 इंटू 657 अपॉन 9 ये वैल्यू कैंसिल करोगे तो ये कितने टाइम्स में आएगा 34 आया ओके अब चेक करना तो ये क्या आ गया 34 इंटू मल्टीप्लाई बाई 657 मैं डायरेक्ट डाटा है ना वैल्यूज दिख रहा है इसका मैं कैलकुलेट किया हूं लेकिन फिर से अगर चलो मैं कैलकुलेट कर देता हूं तो ये वैल्यू क्या आएगा एक मिनट इसका वैल्यू आएगा 22338 मैं कैलकुलेट किया था आप है ना एक बार कैलकुलेट करना ओके देखना कैलकुलेशन करके ऐसे स्पीड अप होगा कैलकुलेट किया करो मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा कि थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होगा उससे आपका वीडियो और लेंदी होगा इसीलिए मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा नहीं तो मैं एक एक कैलकुलेशन करके आपको आंसर दूंगा इसीलिए मैं आने से पहले लेक्चर्स लेने से पहले है ना मैं एक एक कैलकुलेट करके वैल्यूज रखता हूँ ऑथेंटिक वैल्यूज है ये सर अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर फाइव चेक वेदर 6 to the power n कैन एंड कैन एंड विथ द डिजिट एंड विथ डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n फॉर एनी नेचुरल नंबर n ओके ये कल ऐसा इसी पैटर्न का कल क्वेश्चन करवाया था क्वेश्चन में क्या था 4 to the power n था इंस्टीट्यूट ऑफ 6 to the power n वहां पे क्या था 4 to the power n था पहले खुद से बच्चों ट्राई करो और उसके बाद नहीं बने ना तब मेरे पास बता मतलब पूछना ये सॉल्यूशन देखना
देखो अब ये ना बोल रहा है ना कि अगर 6 टू दी पावर एंड चेक करना है 6 टू दी पावर एंड एंड मतलब कैन बी एंड विथ डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर एन एन अगर एन इक्वल टू मैं कुछ भी रखूं एन इज इक्वल टू मैं 0 रखू नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 सॉरी 0 नहीं होगा वैल्यू 1 होगा 2 होगा ऐसे जाएगा क्या तो 6 टू दी पावर 1 क्या देगा 6 6 स्क्वायर क्या देगा 36 6 टू दी पावर क्यूब क्या देगा 36 इंटू 6 ये वैल्यू 216 देगा फिर सिमिलरली 6 टू दी पावर 4 आप ऐसे निकालते रहना तो कभी भी देखोगे कि लास्ट डिजिट आपका एंडिंग डिजिट तो यहाँ पे है यूनिट डिजिट क्या हो गया 6 यहाँ पे यूनिट डिजिट 6 यहाँ पे भी यूनिट डिजिट 6 तो कभी भी है ना 6 टू दी पावर एन एंड कोई भी एक नेचुरल वैल्यूज है नेचुरल नंबर वैल्यू है 1 2 3 तो हमेशा एंडिंग वैल्यू तो 0 नहीं आएगा कोई कंडीशन में नहीं आएगा लेकिन हम मैम यूज करके किसका मेथड को यूज करके अरिथमेटिक फंडामेंटल अरिथमेटिक मेथड को यूज करते हुए फंडामेंटल अरिथमेटिक मेथड को यूज करते हुए मेरे को प्रूफ करना है तो उसके लिए अगर है ना एंडिंग डिजिट होगा तो 0 आने के लिए मेरे को ये जो नंबर दिया हुआ 6 टू दी पावर एन ये जो 6 नंबर है या कोई भी नंबर रहता है अगर वो एंडिंग होना है 0 से ना तो उसको हमेशा 5 का प्राइम फैक्टर तो आना चाहिए तब वो एंडिंग होगा अदरवाइज इट विल नॉट गोइंग टू एंड ओके तो अब मैं देखता हूं कि 6 टू दी पावर एन का प्राइम फैक्टर क्या है देखो ये क्या है 6 टू दी पावर एन को लिख सकता हूँ क्या 2 into 3 टू दी पावर एन अरे बच्चों ये पावर है इसको 6 को मैं 2 into 3 लिख दिया फिर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्या था 2 to the power n 3 to the power n तो देखो यहां से क्या दिख रहा है कि ये जो नंबर है प्राइम फैक्टर है 5 का टर्म नहीं है यानी कि 5 का टर्म्स नहीं है तो यानी कि 6 टू द पावर n नेवर गोइंग टू एंड विद द यूनिट डिजिट 0 ओके समझ में आ गया तो इसको एक लैंग्वेज में अगर लिखना चाहते हो तो लिखो ऐसे कुछ लिखो तो अगर मैं बोलूं द प्राइम फैक्टर इन द फैक्टराइजेशन ऑफ इतना यहां से लिखो फिर से इफ नोट करके लिख लो इफ कोई भी नंबर एक रैंडम नंबर अगर मैं बोल रहा हूं अभी 6 टू दी पावर एंड हो रहा है 0 से तो क्या होगा इफ 6 टू दी पावर एंड विथ 5 प्राइम फैक्टर 5 देन 6 टू दी पावर एन वुड कंटेन द प्राइम वुड contain the prime number 5 would contain the prime number 5 ऐसा बोल रहे हैं कि अगर है ना पहले मैं चेक किया पहले मैं एक कंडीशन बोल रहा हूं कि 6 टू दी पावर है ना एंड हो रहा है एंड विद द 5 तो एंड विद 0 सॉरी एंड विद 0 देन 6 टू दी पावर एंड वुड सर्टेन मतलब कि सियोरली 6 टू दी पावर एन वुड सियोरली कंटेन द प्राइम नंबर 5 तो हमें चेक करना है कि 6 टू दी पावर बेसिकली क्या कंटेन किया हुआ है 5 कि नहीं प्राइम फैक्टर 5 कि नहीं तो मैं फिर से यहां पे रिपीट करता हूं तो 6 टू दी पावर एन को चेक किया तो ये क्या है 2 into 3 ऐसा कुछ कंटेन किया हुआ था तो मैं बोल सकता हूं क्या अब यहां से कि 6 टू दी पावर एन कौन कौन सा प्राइम फैक्टर कंटेन किया हुआ है 2 and 3 कौन कौन सा 2 and 3 तो नोट करके लिखो बट 6 टू दी पावर एन इज इक्वल टू 2 to the power n into 3 to the power n दैट इज द प्राइम नंबर्स इन द फैक्टराइजेशन ऑफ 6 टू दी पावर लिख लो ऐसे दैट इज द प्राइम फैक्टर प्राइम नंबर दैट इज द प्राइम नंबर्स numbers in the prime numbers in the factorization of in the factorization of 6 to the power n are 2 and 3 therefore 6 to the power never ends with 0
जीरो बिकॉज इट डज नॉट कंटेन द प्राइम फैक्टर प्राइम नंबर फाइव बिकॉज इट डज नॉट कंटेन प्राइम नंबर फाइव. ओके ठीक है. अब बच्चों सिक्स नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं. बच्चे इजी क्वेश्चन है, थोड़ा थियोरेटिकल है आपका, टेंथ में कैलकुलेशन भी है, सब जगह आपको है ना लेवर करना होगा. थोड़ा हार्डवर्क करोगे तो सक्सेस हो जाओगे टेंथ बोर्ड एग्जामिनेशन में. और आईआईटी जेई अगर मैथ्स लिए लोगे इलेवेंथ में तो आपका है ना आईआईटी जेई पे फोकस करोगे तो मैथमेटिक्स अच्छा होना चाहिए. तो अभी से आप फोकस करो. सिक्स नंबर क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 13 एंड 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 are composite numbers. बच्चों कल बताया था कंपोजिट नंबर किसको कहते हैं. कंपोजिट नंबर दैट हैज द मोर देन टू फैक्टर्स. और हमेशा प्राइम नंबर एंड वन को छोड़कर अदर्स जितने भी नंबर्स होते हैं वो कंपोजिट नंबर होते हैं. तो उसके पास दो से ज्यादा फैक्टर हो, एक तो वन और इटसेल्फ, उससे भी एक मतलब उन दोनों छोड़कर एक और फैक्टर हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर. तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ऐसा क्वेश्चन एक बार ट्राई करो आप. देखो ये क्वेश्चन है ना पहला, तो इसको देखो मैं क्या लिख सकता हूं, क्या यहां से 13 कॉमन लिया तो ये क्या हुआ 7 × 11 + 1 तो ये क्या हो गया 13 × 77 + 1 ये क्या हो गया 13 × 78. तो कोई एक नंबर बनेगा जिसके पास है ना दो से ज्यादा फैक्टर्स है तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर. तो यानी कि ये इट मींस दैट दिस नंबर इज अ कंपोजिट नंबर. अब सेकंड वन क्या होगा, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5. देखो ये 5 दोनों में कॉमन है ना तो ले सकता हूं क्या, कॉमन है तो उसको बाहर ले सकता हूं क्या, कॉमन है तो उसको आउटसाइड ले लिया तो क्या वैल्यू बचा, 7 × 6 × 4 × 3 × 2 + 1 तो ये वैल्यू क्या देगा 5 7 × 6 42 12 × 2 = 24. तो वैल्यू सॉल्व करके आएगा क्या 42 × 24 + 1. खुद से सॉल्व करना बच्चों, कंफ्यूजन नहीं होना, अलग अलग कैलकुलेशन करने का मेथड होता है. इन दोनों को सॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा 001008 + 1. फिर फर्दर सिंप्लीफाई किए तो क्या आएगा 1009. तो देखो ये दो अलग अलग नंबर्स है ना, ये 5 है ये डिफरेंट नंबर है. तो इसका भी है ना ये नंबर का क्या हो गया, मोर देन टू फैक्टर्स आए तो ये जो नंबर दिया हुआ क्या है मेरा क्या हो गया, कंपोजिट नंबर. ओके क्योंकि देखो जब है ना कोई फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं 2 लेता हूं या 3 लेता हूं तो 3 प्राइम नंबर इज नॉट अ कंपोजिट नंबर, इट इज अ प्राइम नंबर. तो इसका फैक्टर क्या हो गया 1 और 3. तो सिमिलरली कोई नंबर है तो एक तो 1 तो इसका फैक्टर होगा ही, दूसरा 5 हो गया, 1009 हो गया, 1009 हुआ तो 3 फैक्टर्स आए ना, 1, 2 और 1 इसके साथ फैक्टर है ही पहले से. तो अपार्ट फ्रॉम द 1 एंड इटसेल्फ अदर्स भी कोई फैक्टर्स है तो इसीलिए ये क्या है अपना, कंपोजिट नंबर है. ओके अब आपका है ना लास्ट क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज का 7th नंबर. थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, टाइम लगेगा क्वेश्चंस लिखने में.
आप एक बार खुद से पहले देखो क्या है क्वेश्चन, फिर उसके बाद है ना ट्राई करो, फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखा करो मेरा। तो मैं क्या क्वेश्चन लिखता हूं पहले, सेवंथ नंबर क्या है क्वेश्चन, देयर इज अ सर्कुलर पाथ, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। ओके, सोनिया टेक्स 18 मिनट, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द फील्ड। ओके, फिर क्या है, वाइल रवि टेक्स अनदर, कोई एक गाय है, एक लड़का है, वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द, फर्दर क्वेश्चन क्या है, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम। ओके, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, गो इन द सेम डायरेक्शन। फर्दर क्वेश्चन क्या है, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, क्वेश्चन क्या है, अब जो एक्चुअल क्वेश्चन पूछ रहा है वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन है, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। बच्चे देखो क्या है क्वेश्चन ये दिया हुआ है, मैं थ्योरी अभी समझा रहा हूं, एक सर्कुलर पाथ है यानी कुछ ऐसा है, दो कंपटीटर, एक सोनिया है और एक रवि है। ओके, एक दो कंपटीटर यहां पे और एक रवि है, आर एंड एस, तो सोनिया हो गया रवि हो गया, दोनों यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। अब बोल रहा है सोनिया है ना ये कंप्लीट करने में, ये सर्कल का एक राउंड लगाने में वो सी टेक्स 18 मिनट्स, एंड रवि जो है ना एक राउंड कंप्लीट करने में उसको लगता है 12 मिनट्स। फॉर एग्जांपल ये रवि है आर, तो ये क्या हो गया 12 मिनट्स लेता है, और ये सोनिया है 18 मिनट्स लेता है। तो बोल रहा है ना कि कितने समय बाद अगर यहां से स्टार्ट हुआ तो दोनों चला, तो अभी है ना रवि का तो स्पीड ज्यादा होगा क्योंकि वो कम समय ले रहा है कवर करने के लिए, क्योंकि डिस्टेंस तो सेम है लेकिन टाइम जो रवि ले रहा है ना वो कम लेगा, तो यानी कि रवि का स्पीड ज्यादा होगा, तो यानी कि रवि एक बार है ना ऐसे गया यहाँ पे जाके पहुंचा होगा, तो सोनिया अभी क्या होगी कहीं बीच में होगी। ठीक, फिर रवि यहां से चला होगा तो सोनिया भी कहीं बीच में होगी, फिर यहाँ पे सोनिया इधर चली आई, फिर रवि यहां से आया, फिर एक राउंड कंप्लीट किया, फिर वो थर्ड राउंड में जब यहाँ पे यहाँ पहुंचा तो सोनिया है ना केवल 2 राउंड कंप्लीट करके यहाँ पहुंचेगी। कैसे हो रहा होगा बेसिकली क्या हम करेंगे, हम एलसीएम निकालेंगे दोनों का डाटा का एलसीएम निकालेंगे, यानी कि फाइंड द एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। तो क्या आ जाएगा, 18 का क्या आएगा 2 × 3 × 3 और 12 का क्या आएगा 2 × 2 × 3।
तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 टू दी पावर 2, ये क्या आएगा 2 इंटू 2 स्क्वायर इंटू 3। तो अब बताओ एलसीएम ऑफ 18 एंड 12 क्या आएगा, क्या आएगा, जो 2 जो फैक्टर है वो उसका हाईएस्ट पावर 2 और 3 है उसका हाईएस्ट पावर, तो उसका 2 आ गया, तो ये क्या हो गया 4 इंटू 9 क्या हो गया 36 मिनट। यानी कि हेंस क्या लिखोगे, हेंस आफ्टर हाउ मेनी टाइम्स, आफ्टर 36 मिनट्स रवि एंड सोनिया विल मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट। ओके बच्चों, ठीक है, फिर मैं अदर्स टॉपिक है ना स्टार्ट करूंगा इरेशनल नंबर नेक्स्ट क्लास से। थैंक यू।